बहुत बड़ी खबर फैंस की तरफ से आई है। फैंस ने बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, पता है किसके लिए? उस लड़की के लिए जिसने सबसे कम उम्र में विधायक बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस पर फैंस ने किया है बहुत ही बड़ा फैसला। कैबिनेट में चाहते हैं कि मिल जाए कोई बड़ा ओहदा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंबा की। आपने बिल्कुल सही समझा है, अंबा जिसने की बहुत ही कम उम्र में बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिता जेल में और माँ है तड़ीपार। बेटी बन गई सबसे युवा विधायक पर फैंस ने अब कर दिया है बड़ा ऐलान। फैंस का ये ऐलान क्या है हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे अंबा की कहानी एक बार फिर से आपको सुनाएंगे। दरअसल अंबा वो है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में तमाम जो चीजें होती है ना उसे हासिल कर लिया है। अंबा ने बहुत बड़ा तगमा हासिल किया है। आज हम आपको अंबा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अरुण मेहता की बात करते हैं जिन्होंने अंबा पर सुनाया है ये फैसला। एजुकेशन मिनिस्ट्री देना चाहिए हेमंत सोरेन को। वाव, अरुण मेहता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम तो उम्मीद जताते हैं कि अंबा को जरूर मिले मंत्रिमंडल में जगह और एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्योंकि काफी पढ़ी लिखी है अंबा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण मेहता जी आपका। वहीं पर ब्रजेश जी कहते हैं गुड विधायक, क्या बात है। ब्रजेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और जीनियस विकास सिंघानिया, इनको सपोर्ट करने वाले लोग लाइक करें, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। वहीं पर मदजमात, मदजमात नाम से इनका आईडी बना हुआ है, उन्होंने लिखा है सुपर से भी ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मसलिम अंसारी कहते हैं कि अंबा से भी काम आगे का विधायक रह चुका है आलोक कुमार चौरसिया। ठीक है रह चुका है वो बात अलग है, लेकिन अंबा की राह इतनी आसान नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं पर एमडी तारिक प्लम्बर अली सिविल वर्क्स की तरफ से इनका कहना है कि झारखंड के युवा विधायक को हमारे तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हमारे तरफ से भी बहुत बहुत बधाई अंबा जी को। वहीं पर संजय सिंह कहते हैं कि बहुत ही सुंदर विकास के काम करो, नाम करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी। और उत्तर प्रदेश के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है, ये कहते हैं कि सुपर, आप लोग देश को आगे ले जाएंगे। जी हाँ, युवा हाथों में अगर बागडोर जाती है तो देश आगे जाता है। विकास बैठा के नाम से इनकी आईडी है, ये कहते हैं कि सबसे कम एज के विधायक रह चुके हैं भानु प्रताप शाही, मंत्री भी थे, लेकिन क्या अंबा को आप नहीं सराहेंगे, क्या अंबा को आप शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। विनय कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वहीं पर बिपिन जी ने कहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के तरफ से भी अंबा जी को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कि अंबा बहुत ही कम एज की एक ऐसी विधायक बनी है जिन्होंने बहुत सारे संघर्ष झेले हैं। जी हाँ, बड़का गांव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद ने चुनाव जीतकर 2019 में सबसे कम उम्र की विधायक बनने का इतिहास रच दिया है। मात्र 31 साल की उम्र में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू पार्टी के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी को 30,140 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद को 93,295 तो वहीं रोशन लाल को 63,116 वोट मिले। एक ही विधानसभा क्षेत्र से पिता और मां की जीत के बाद बेटी अंबा प्रसाद ने जीत को बरकरार रखते हुए अपने माँ बाप की बहादुर और सफल बेटी होने का फर्ज निभाते हुए कांग्रेस को जीत की हैट्रिक का तोहफा दिया। बड़का गांव विधानसभा से इसके पूर्व अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहू 2009 में और मां निर्मला देवी ने 2014 में चुनाव जीता था। ये संयोग ही है कि बड़का गांव विधानसभा में पांचवी बार जीत की हैट्रिक लगी। इससे पहले भी जो प्रत्याशी पहली बार यहां से चुनाव जीते उन्होंने जीत की हैट्रिक बनाई। जीत का श्रेय माता पिता और क्षेत्र की जनता को दिया। बड़का गांव से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल कर इतिहास रचने वाली अंबा प्रसाद ने पिता योगेंद्र साव और मां निर्मला देवी के आंदोलन को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत को बचाए रखने में कामयाब हुई। अंबा ने कभी सोचा भी न था कि वे विधायक बनेंगी, लेकिन माता पिता के जेल जाने और राज्य बदर होने के बाद उन्होंने शपथ ली थी कि बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में माता पिता के अधूरे कार्यों को वो पूरा करेंगे। पिछले चार वर्षों से वे क्षेत्र में सक्रिय रही
कॉर्मल स्कूल से पढ़ाई करने के बाद 12वीं की पढ़ाई डीएवी स्कूल हजारीबाग से पूरी की। 2009 से 12 में विवावी से एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में 2012-14 में पीजीडीएम एचआर की डिग्री हासिल की। उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली चली आई। इसी क्रम में कफन सत्याग्रह के दौरान माता निर्मला देवी और पिता योगेंद्र साहू को जेल भेज दिया गया तो अंबा प्रसाद दिल्ली की पढ़ाई छोड़कर हजारीबाग लौटी। फिर हजारीबाग कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दिया और माता पिता पर दर्ज मुकदमों को उन्होंने देखना शुरू किया और इस तरीके से इसी संघर्ष में वो बन गई सबसे छोटी उम्र की विधायक। और इस पर आप तमाम लोगों ने जो दिल खोलकर प्रतिक्रिया दी है, हम आपके आभारी हैं। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।